नमस्ते, मैं हूँ नेहा। वेलकम बैक। शादी सीज़न स्टार्ट हो गया है और मुझे भी कुछ एक शादियाँ अटेंड करनी है इस सीज़न में। शादी से रिलेटेड जितने भी और फंक्शंस होते हैं, लाइक मेहंदी, संगीत, ये सारे भी मुझे अटेंड करने हैं। तो मैं कुछ एक लुक्स ट्राई कर रही थी, जिसमें से एक ये है। ये वाला जो पर्टिकुलर लुक है, ये इंस्पायर्ड है कंगना के इस लुक से। तो आइए देखते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए ये पर्टिकुलर लुक अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक ग्रीन कलर की साड़ी। अगर बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस लुक में कंगना ने बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, पेयर्ड विद ब्लैक कलर का ब्लाउज जो कि 3/4 स्लीव्स का है। मेरे पास इस तरीके का ब्लाउज था जिसकी नेटेड स्लीव्स थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को ही ट्राई किया जाए। ये रेडीमेड ब्लाउज है और इस तरीके के ब्लाउज आपको ऑनलाइन या मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे। इसको मैंने नॉर्मली ड्रेप किया है और जिस तरीके से कंगना ने ये पल्ला पकड़ा हुआ है, उस तरीके से मैंने भी इसको होल्ड किया है। साथ ही साथ मैंने इसमें लिया है ब्लैक कलर का ये छोटा सा क्लच, जो कि मैंने जयपुर से लिया था अपनी इस साल की विज़िट पे। ये इजीली आपको बापू बाज़ार या फिर नेहरू मार्केट से मिल जाएगा। आप ये मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ का था शायद, ईज़िली मिल जाता है। इसमें आप अपना फ़ोन, बेसिक चीज़ें आप आराम से रख सकते हैं, ईजी टू कैरी है और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस लुक से। फिर आते हैं ज्वेलरी के ऊपर। तो कंगना ने थोड़ा हैवी नेक पीस पहना हुआ था, मुझे लगा संगीत के लिए और मेहंदी पार्टी के लिए इतना हैवी नेक पीस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे निकाला अपना थेवा का सेट। ये जो थेवा ज्वेलरी होती है, ये पर्टिकुलरली अगेन राजस्थान की स्पेशलिटी है, मतलब वहाँ पे ये इस तरीके का काम होता है। बेसिकली ये ग्लास के ऊपर मीना का काम किया जाता है, प्लस फिर उसकी माला बनाई जाती है बीज से या मोतियों से, अलग चीज़ों से। ये मैंने लिया था जब मैं हल्दीघाटी घूमने गई थी। तो अगर आप राजस्थान में हैं कहीं पे भी, तो आपको पता होगा ये क्या है। और ये बहुत सारे कलर्स में मिलता है। मेरे पास एक ये पर्टिकुलर कलर है, मस्टर्ड और गोल्डन कलर, साथ ही साथ मेरे पास एक रेड कलर भी है, तो मैंने ये पहना हुआ है। इसके साथ छोटे छोटे ईयरिंग्स भी हैं, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इस लुक के संग में। मैंने अपने बालों को उतना टाइट कर्ल नहीं किया है जैसे कि कंगना के हैं, मैंने लूज कर्ल किए हैं अपने बाल मेरे फिलिप्स के हेयर स्टाइलिंग ट्यूलिप हेयर स्टाइल कर्लर से। अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। मेकअप मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, डे टाइम के हिसाब से ज़्यादा बिल्कुल भी लाउड नहीं है। कॉपर आई शेडो है, लिपस्टिक है, नायका की बिंदी लगाई हुई है। पूरी जो डिटेल्स हैं वो अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। फिर मैंने अपने राइट हैंड में पहनी है बैंगल्स, ब्लैक कलर की बैंगल्स जैसे अगेन कंगना ने पहनी है इस लुक में। तो मैंने पूरा हाथ भर के जितनी हो सकती थी उतनी बैंगल्स डाल ली हैं और मुझे ये काफ़ी अच्छी भी लग रही हैं। यूजुअली मैं बैंगल्स उतना नहीं पहनती हूँ, बट इस लुक के संग में मुझे ये बैंगल्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं। फुटवेयर में मैंने अपनी डापुरी चप्पल्स वो पहनी हुई हैं। तो यहाँ कंप्लीट होता है ये पूरा लुक। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, इजी टू कैरी है और मैं डेफिनेटली इसको तो मेहंदी और संगीत फंक्शन में पहनने वाली हूँ। आप भी इजीली इस लुक को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि साड़ी बहुत लाइट है और थोड़ी सी पार्टी वेयर है, क्योंकि इसमें गोल्डन बॉर्डर भी है तो अच्छा लगता है। So here complete this look. Thank you so much for watching. I will see you real soon. Till then, bye bye.